नमस्ते, मेरा नाम है सुमित और आज हमारे साथ रामेश्वरी देवी हैं, जो समाज के लिए विभिन्न तरीके के काम करती हैं, जो पर्यावरण को बचाने के लिए विभिन्न आंदोलन करती हैं, समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग जगहों पे कार्यरत हैं। तो हम एक बार उनके बारे में जानेंगे, किस तरीके से वो काम कर रही हैं, कहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई, हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नमस्ते, स्वागत है आपका। और मुझे इस तरह से समाज सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। करती भी हूँ अपने गांव में हर तरह की, मतलब हाँ। समाज सेवा, जैसे मंदिरों की सफाई करना हो, मैं एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों से भी जुड़ी हूँ। अच्छा। समाज की सेवा भी करती हूँ, और जैसे कि स्वच्छता अभियान चलाना हो, वो भी महिलाएं इकट्ठे होकर चलाते हैं, और कहीं पे कोई काम पड़ गया वहाँ पर, मतलब सब अपने आप में और महिलाएं आके मतलब उस काम का सलूशन करते हैं। इस तरह के काम मतलब समाज सेवा में जुड़े रहते हैं, हमें अच्छा लगता है। प्रदूषण मुक्ति में भी ये नमामि गंगे से जुड़ी, मैं 2016 में रेड एफ संस्थान वालों ने जोड़ा हमारे गांव के प्रधान जी। आपकी जो जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट हुई, आपने फर्स्ट टाइम कब समाज सेवा के लिए सोचा कि हाँ समाज सेवा की जाए? समाज सेवा तो पहले से ही मेरे मन में था, जब मैं बचपन में थी तब भी मुझे स्वच्छता ज्यादा अच्छी लगती थी गांव में अपना। उसके बाद यहाँ शादी होके आई तो यहाँ धीरे धीरे करके आगे बढ़ती, फिर मुझे ये समाज के हिसाब से मतलब कई कामों में आगे बढ़ चढ़ के भाग लेने का वो रहता है, जहाँ पर भी जरूरत पड़ती है तो हम मतलब पीछे हटने नहीं हटते थे, मतलब अच्छा लगता है। फिर दूसरा ये, जब से प्रधानमंत्री मोदी आए तो मोदी ने कहा कि गंगा सफाई, गंगा अभियान, गंगा पहरी बनाओ, तो उस समय सबसे पहले गंगा पहरी में मतलब वाइल्ड लाइफ संस्थान वालों की तरफ से मैं बनी थी अपने गांव में। तो जब अपने गांव में मैं बनी तो मैंने और लोगों को भी जोड़ा, इतना जोड़ा कि बीच बीच में कम से कम 100-200 लोग से ज्यादा जुड़ गए थे, मतलब हर कोई गंगा पहरी। और फिर हमने उसमें गंगा जी की सफाई करना, मंदिर की सफाई करना, फिर धीरे धीरे जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, वो तो मैं छोटे से ही बचपन से ही थी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, कीर्तन भजनों में, तब मतलब अब से 5-7 सालों से ज्यादा जुड़ाव झुकाव इस चीज में आया। जब हमने आपके बारे में पढ़ा और आपके बारे में सुना तो एक पर्यावरण की तरफ अलग ही प्रेम आपका दिखता है, चाहे वो नदियों की सेवा हो गई, नदियों में बहुत सारे जीव रहते हैं, पर्यावरण की हो गई, तो कहाँ से आपको ये प्रेरणा आई कि हाँ इसके लिए काम होना चाहिए? ये प्रेरणा इसलिए आई कि ये है कि अब जीवन तो सबका है, हमारा भी है, छोटे से छोटी चीज का भी, हर चीज पे प्राण है, तो क्यों ना इन चीज, जो प्राणी लोग हैं, प्राणी वाली चीज है मतलब कोई भी, तो इनको बचाने की सोचा, गंगा की सफाई में, गंगा के अंदर कितने जीव हैं इस तरह के, जब हम उसको शुद्ध रखेंगे स्वस्थ तभी जाके रहेगा, जब शुद्ध रखेंगे हम उसमें। प्लास्टिक मुक्त के लिए मैंने अपने गांव को सोचा कि हमारे गांव सारे मतलब सभी जगह इस तरह से हो, मतलब ये सोच अपने आप ही अंदर से आ जाती है, मतलब अगर भाव सही काम करने के हो, अच्छे काम करने के हो, तो भाव अपने आप ही धीरे धीरे उत्पन्न होते रहते हैं। अच्छा, हमने सुना कि आपने गांव में काफी आंदोलन भी किए हैं, हाँ, तो उसके पीछे क्या रीजन रहा कि एक समाज सेवी को एक आंदोलन करना पड़ा? वो इसलिए कि हमारे गांव के और भी मतलब वैसे लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, युवा है, महिलाएं हैं, सब तरह के हैं, कि जब मतलब एक इस तरह से गांव है हमारा कि हम जैसे बरसात का मौसम, बरसात के 4 महीने आते हैं उनमें हम पैक हो जाते हैं अपने गांव में, क्योंकि हमारी एक बरसाती नदी इस तरह की आती है कि हमारे बच्चों की स्कूल जाना, पीड़ित लोगों को मतलब बीमार लोगों को ऋषिकेश, क्योंकि ऋषिकेश हमारा नजदीक का शहर है, नजदीक का शहर होने की वजह से वही सब कुछ सुविधाएं है, तो हमें मतलब उस नदी की वजह से हमने एक पुल बनाने की सोच की, भी नदी का पुल, जो कि सारे चर्चाओं में हर जगह पे सुनने को मिला, तो हमने उसकी वजह से एक आंदोलन करा 2015 में, वो आंदोलन करा, उसमें 6 महीने तक बैठे रहे हम, और 8 दिन का आमरण अनशन भी करा, फिर हमें बस ऐसी संभावना मिली हाँ हो जाएगा हो जाएगा, तब से हम अब तक, उससे पहले वालों ने भी अब वालों ने भी कम से कम 25 साल हो गए इस बात को, कि ये बोलते बोलते कि हाँ अब बनेगा तब बनेगा, अब बनेगा तब बनेगा, करते करते अब तक मतलब 2024 हो गया, अभी तक हमारा वो पुल नहीं बना, मतलब हमने आंदोलन करा हुआ, ऐसे और चीजों पे भी करना पड़ता है, कभी किसी चीज में कभी किसी चीज, बड़ा आंदोलन हमारा वो ही था। अच्छा, तो आप समय समय पे अभियान चलाते रहते हैं, तो उसके पीछे क्या मोटिव रहता है कि एक मतलब जब हम गंगा भोगपुर की बात करते हैं तो बिल्कुल नेचर वहां पर हमको दिखता है, नदियां पहाड़,
तो कौन सी कठिनाई आपको वहाँ पर दिखती है? हम ये चाहते हैं कि हमारा गांव शुद्ध हो, हमारा मंदिर जो है वो शुद्ध हो, रास्ता सही रहे। तो इसलिए क्योंकि अब पर्यटक स्थल होने की वजह से हमारे यहाँ एक मंदिर है जो माँ विंध्यवासिनी को जो रोड हमारे गांव से होके जाती है, तो वहाँ बहुत मतलब ये है कि ट्रैफिक का माम वो रहता है, मतलब सिर्फ बरसात में कुछ ही दिन ऐसे होंगे जब वहाँ नहीं जाया जाएगा, नहीं तो वहाँ जाना आना रहता है। तो इस वजह से हमारे यहाँ ट्रैफिक का भी वो है, पर्यटक स्थल भी धीरे धीरे बन रहा है, फिर गाँव में बड़े बड़े रिजोर्ट भी खुल गए हैं, लोगों ने मतलब वहाँ रिजोर्ट खोल दिए है। तो इस वजह से ये भावना रहेगी कि हम सफाई अभियान में आगे रहे, कहीं भी कूड़ा करकट से बचे। तो हमने ये सारे सीख सबसे ज्यादा नमामि गंगे से, इन 5-7 सालों से ज्यादा गंगा मैया की ऊपर से ही इस तरह से सीखा, मतलब गंगा माँ को साफ रखना है। तो सभी जगह मतलब ये है कि अपने घर द्वार अपना गांव सब साफ रखने में ही हमें भलाई है, मतलब ये सोचा। जब हम गंगा भोगपुर की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, और हमने सुना कि आपकी एक कीर्तन मंडली है, वो किस तरीके से काम करती है, और अक्सर यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो वो हमारी कीर्तन मंडली इस तरह की है, जैसे सामाजिक कार्य है, जैसे सार्वजनिक कार्य है, या शादी ब्याह है, किसी का चूड़ा कर्म है, या कोई बड़ा फंक्शन है, तो वहाँ ये है कि थोड़ा संगीत का कार्यक्रम करना पड़ता है, तो हमें मतलब संगीत के कार्यक्रम में बुलाया जाता है। तो बुलाया जाता है तब वहाँ हमारे साथ में 12-15 महिलाओं की मंडली है, किसी को ढोलक आता है, किसी को चिमटा बजाना आता है, किसी को बोलना आता है। तो इनमें मेरी भूमिका जो रहती है, मुझे मेरी मतलब बोलने की मतलब एक गायक की भूमिका भी मेरी उसमें रहती है। अच्छा। गायक मतलब गायक का जो भूमिका है उसमें मेरी सबसे ज्यादा मेरी रहती है, इसलिए हर जगह हम जाते हैं, ताकि हम दिल्ली तक, हमारे देहरादून, दिल्ली, देवप्रयाग, जहाँ भी हमें बुलाते हैं वहां तक हमारी मतलब वो होती है, मतलब जाने की इच्छा, क्योंकि भगवान के वो है उसमें भजन है, भजन करने के लिए ज्यादातर हम शादियों में जाते हैं। शादी लड़की की तरफ लड़की वालों ने बुला दिया, लड़के की तरफ लड़का वालों ने बुला दिया। इस तरह का कीर्तन मंडली बहुत सारी बनती है, लेकिन उसमें क्या है कि बहुत कम सक्सेसफुल हो पाती है, कि वो चल पाती है, एक साल चलती है, फिर कहीं ना कहीं टूट जाती है। तो इसका पीछे क्या रीजन हो सकते हैं, और आपकी इतनी अच्छी कीर्तन मंडली है कि वो लगातार काम करते जा रही है बहुत सा। उसमें ये है ना कि 2-4 लोगों का उसमें एक्टिव होना बहुत जरूरी रहता है, जब एक्टिव 2-4 में से, तो 2-7 साल के लिए हर कोई हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ना, हमारे कीर्तन मंडली को 5 साल पूरे हो गए, 5 साल पूरे हो गए, छठा लगने वाला है, लेकिन हमारी कीर्तन मंडली अभी तक एक्टिव है। भले उसमें 2-4 लोग ऐसे है कि जो ज्यादा एक्टिव है, 2-4 ऐसे भी है कि जो थोड़ा कम है, पर ऐसे में ये चलाना पड़ता है, मतलब बनाना पड़ता है। इस तरह से हमारी कीर्तन मंडली आगे बढ़े, क्योंकि मैं इस सार्वजनिक काम, सामाजिक कार्य, सांस्कृतिक कार्य सब में मैं आगे रहती हूँ। अच्छा। तो आगे रहती हूँ तो मेरे साथ सब, मेरे साथ भी मैं आएंगे। वो है हमारे गाँव में अब इस तरह से मतलब 3 या 4 मंडली और बन गई है। अच्छा। बड़ा गांव होने की वजह से हमें देख देख के औरों की भी मंडलियां बन गई है, बहुत अच्छी है। जैसे कि आप सोशल लीडर हैं, विभिन्न सामाजिक जो कार्य होते हैं गांव में उसको नेतृत्व करती हैं, तो आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि आप भी चुनाव लड़े प्रधान के या वहां के विधायक? हाँ, वो सोचा है, मुझे बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, लेकिन ये है कि मैं सामाजिक कार्य अगर कर रही हूँ तो अगर मैं चुनाव में चली जाऊंगी तो चुनाव में जाने से इंसान का लालच बढ़ जाता है। हाँ। इस वजह से मैं नहीं जाना चाहती, मुझे सामाजिक कार्य करने हैं, इससे भी आगे, लेकिन पर्दे के पीछे होके करने हैं, ऐसे नहीं कि बिल्कुल आगे आगे कि मैं कोई प्रधान बन जाऊं या मैं कोई, हालांकि सोच है सबकी, मतलब ये है कि मैं बनूं, मतलब बन जाऊं प्रधान, बन जाऊं बीटीसी, बन जाऊं कोई और, लेकिन अभी तक तो मेरी सोच ये है कि मैंने ये सब कुछ नहीं बनना, समाज सेविका ही रहना है। आगे की फिर देखते हैं क्या होता है 2-4 साल। अच्छा, रामेश्वरी देवी जो बचपन में थी, एक छोटी सी बच्ची, क्या उसने सोचा था कि समाज से भी वो बनेगी, या कुछ डॉक्टर या कुछ इंजीनियर कुछ बनने का सोचा था? नहीं, वो तो ये है बचपन में तो खैर सोच बच्चे की अलग रहती है कि धीरे धीरे वो आगे बढ़ के बहुत आगे बढ़ेगी। कुछ घर की परेशानियां होती है, कुछ मतलब ये है कि बचपन में अपने माँ बापों के प्रति मतलब मोह होता है, कि भाइयों के प्रति, बहनों के प्रति इस तरह का मोह होता है कि भाई इनको देखो, पहले तो ये था, इसलिए मतलब स्कूल दूर होने की वजह से, जब पढ़ाई लिखाई कम करने की वजह से आगे बढ़ने में ये है कि समाज सेवा ही मुझे सबसे बेहतर लगा। अच्छा। मुझे मतलब पैसा छापना, पैसे कमाना इतना अच्छा नहीं लगता जितना समाज सेवा करना। अच्छा।
तो एक पहाड़ में समाज सेवा करना कितना कठिन है या आसान है? नहीं, कठिन भी है, कठिन भी है, आसान तो कोई भी काम नहीं है, कोई भी अच्छा, काम आसान नहीं है। हाँ आसान तो अपने हाथ से बनाया जाता है, मतलब हाँ ये है कि अपनी सोच से ही आसान बनाया जाता है, नहीं तो कोई भी किसी भी काम में आप हाथ डालो तो अच्छा आसान कोई काम नहीं है, सब कठिन है। कठिन काम करने के बाद ही जब निखरता है आदमी, हाँ तभी जाके उसके लिए आसानी होती है। अच्छा। तो मतलब बहुत बार हमें कुछ सुनने के लिए मिलता है कि समाज सेवा कर रहे हैं, तो ऐसा आपको भी कहीं सुनने के लिए मिला कि हाँ मतलब वो समाज सेवा कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, ऐसे औरों के बारे में या अपने बारे में? अपने बारे में? हाँ अपने बारे में, हाँ बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं भाई तुम समाज, कहीं भी जाओ कोई बाहर के आदमी या कहीं हाँ देखा हो मुझे तो हर कोई मुझसे वो प्रेरणा भी लेते हैं, मैं भी उनसे लेती हूँ प्रेरणा की। हाँ हाँ भाई तो कहीं कोई मीटिंग हो रही है, बड़ा कार्यक्रम है, तो वहाँ मुझे इस तरह के लोग मिलते हैं कि जो मतलब ये है कि मैं भी उनसे मुलाकात करती हूँ कि भाई तुम तो बहुत बड़े समाज सेवी हो, हर जगह अच्छा आगे रहते हो, तो कर्मठ हो, तो उस टाइम खुशी मिलती है, मतलब ये है कि अच्छे काम के लिए खुशी मिलती है, बस हाँ ये हाँ एक यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या यूथ को करना चाहिए, आजकल का जो यूथ है पहाड़ों का? है। मैं बस उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने ही बलबूते पे खड़े होने में जो कामयाबी, जो हाँ मजा है, वो ये है कि दूसरे के उसमें नहीं है, मतलब कि जब हाँ दूसरा हमें करके दे तब हम खाएं तो वो अच्छा नहीं है। अपने हाँ आप अपने बलबूते पे खड़े होने में, पेड़ एक पौधा होता है, पौधे को धीरे धीरे ही सींचा जाता है। अगर हम सोचे कि इसमें हम इतने ये एक मुट्ठी खाद डालने की वजह एक तक वो भर के डाल दे कि ये बड़ा हो गया, हाँ मतलब वो नहीं काम होगा, मतलब वो 4 दिन लगेगा उसके बाद खत्म हो जाएगा। इसलिए धीरे धीरे करके मैं युवाओं से भी यही करती हूँ कि अपने बलबूते पे, अपने पैरों पर खड़ा होना सीखे, और दूसरे से जो जितना हो सके मतलब दूसरे से लेना कम करे, मतलब कम करे। हाँ जहाँ पर जरूरत है, जरूरत के लिए तो भाई बिना पैसे का तो काम नहीं चलता, हाँ बिना पैसों का तो जब 2 पैसे रहते हैं तभी मतलब वो काम आगे बढ़ाया जाता है, किसी भी काम को करो, अब बिना पैसों से होता भी नहीं है। तो ये है कि अपने बलबूते पे खड़ा होना बहुत जरूरी है, मतलब समाज अच्छा। में। गांव में सबसे बड़ी ऐसी क्या समस्या है कि आज से 10 साल बाद आप मतलब चाहती हैं कि वो समस्या का समाधान हो जाए आज से 10 साल? समस्या गांव में बस ये है कि समस्याएं तो बहुत हैं, बहुत हाँ समस्याएं हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन मुझे जो देखने को मिलता है अपने ही गांव में, हाँ तो मुझे ये देखने को मिला कि जैसे कि अब सरकार बोल रही है प्लास्टिक मुक्त करो, हाँ प्रदूषण हो रहा है, तो प्रदूषण होने का सबसे बड़ा कारण तो ये प्लास्टिक ही है। हमारे गाय हैं, गौ माताएं हैं, तो वो उन प्लास्टिक को खा जाती हैं, क्योंकि उनपे पर्यटक स्थलों की वजह होने से प्लास्टिक के ये पत्तल बनते हैं, दोने बनते हैं, सब चीज प्लास्टिक का ही वो चल गया है, लेकिन बर्तन तक प्लास्टिक के बन गए हैं। पहले हमारे पीतल, हमारे जमाने में दादी के, हमारी माँ और के, हमारे सास ससुर के खुद पीतल के बर्तन थे, अब पीतल के बर्तन धीरे धीरे करके वो लुप्त होते गए, हमने स्टीलों में, अब कांच में, अब उसके बाद अब वो वैसे हो गए, प्लास्टिक के बर्तन हो गए। हाँ तो वो प्लास्टिक मुक्त करने के लिए तो भाई यही वो है कि प्लास्टिक मुक्त किया जाए गांव हाँ को, घर को प्लास्टिक में ना, क्योंकि इससे बीमारियां, शरीर में इतनी बीमारियां फैल रही कि आज की तारीख में कह रहे कैंसर जैसी जो बीमारी है वो इस प्लास्टिक से ही हो रही है, हाँ इसलिए प्लास्टिक मुक्त वही ही मैं अपने गांव को करना चाहती हूँ। इसमें आप लोग हमारे साथ हैं तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में, एक और मैसेज, कोई जो हमको देख रहे हैं, जो दर्शक हमको देखेंगे जिन तक ये वीडियो जाएगी, उन तक क्या मैसेज आप देना मैं चाहेंगे? उन तक ये मैसेज देना चाहूंगी, जिस तरह हाँ से सुमित भाई ने इतना बड़ा जो उठाया है, ये मतलब बेड़ा उठा रखा है, मतलब कि तुम्हारे गांव को, मेरा जो गंगा भोगपुर गांव है वहीं से शुरू करके प्लास्टिक मुक्त करना है, तो मुझे इससे बहुत बड़ी खुशी मिली कि मैं भी तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला के प्लास्टिक मुक्त अपने गांव को, अपनी गली को, अपने मोहल्ले को कराऊंगी, मतलब जिससे कि प्लास्टिक कम से कम यूज हो, जो प्लास्टिक हो वो प्लास्टिक भी किसी काम के लिए बाहर जाए, मतलब वो इसे जलाए ना, गाय ना खाए, तो मैं तुम्हारे साथ हर टाइम इस काम के लिए आगे रहूंगी। अब बहुत अच्छा काम था आपका, मैं इसके आपके सराहनीय वो करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, बहुत बढ़िया चुना हमारा गांव, चुना हम आगे रहेंगे, बढ़ेंगे इसमें। तो आप सभी को कैसा इस वीडियो को देख के लगा, कैसी जो ये कहानी है रामेश्वरी देवी की, उन्होंने गांव के लिए काम किया और अभी भी बहुत सारे काम करने बाकी हैं। अगर आप सब भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए इस मुहिम में, जीरो वेस्ट विलेज। थैंक यू।